एक रुपए की कीमत तुम क्या जानो। अगर ये डायलॉग आपसे कल कोई मजाक में पूछता भी है और पूछे कि भाई एक रुपए की कीमत आप क्या जानते हैं, तो आप सीधा जवाब दीजिएगा कि एक रुपए की कीमत में 350 एकड़ जमीन आ जाती है। लोग बिल्कुल हैरान होंगे, वो पूछेंगे कि भाई एक रुपए में 350 एकड़ जमीन कैसे आती है, तो उसे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का उदाहरण आप दीजिएगा। कहानी क्या जरा सुनिए। 350 एकड़ जमीन यानी अरबों खरबों की जमीन किसी को एक रुपए में मिल गई, कैसे मिल गई? यह जमीन दी गई है या लुटाई गई है? यह सवाल पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से पूछा जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और याचिका दायर करके मांग की गई कि एक रुपए वाली इस डील को रोका जाए और ममता पहले उन लोगों का नुकसान भरे जिन्होंने फिल्म सिटी के नाम पर इन्वेस्ट किया था और सारा पैसा जिनका फंसा हुआ है। दरअसल ममता सरकार पश्चिमी मेदिनीपुर के चंद्रकोना में एक फिल्म सिटी बना रही थी। ममता सरकार ने इसके लिए प्रयाग ग्रुप को 750 एकड़ जमीन दी, लेकिन प्रयाग ग्रुप चिट फंड में फंसा और उसकी संपत्तियां जब्त की गई। ममता सरकार ने इसी 750 एकड़ में से 350 एकड़ जमीन दे दी सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को स्टील फैक्ट्री के लिए 999 साल यानी 1000 साल की लीज पर 1 रुपए में दी गई, यानी कि 1 पैसा सालाना भी नहीं बनता, 0.1 पैसा सालाना की लीज पर। याचिका में कहा गया कि जिस जमीन में लोगों को का पैसा फंसा हुआ है उसके असली मालिक को तो वो लोग हैं, फिर इसका पट्टा गांगुली के नाम पर कैसे लिखा जा सकता है? भाई मामला चूंकि सौरभ गांगुली का है इसलिए सियासत भी पूरी तरीके से एक्टिव है। टीएमसी कह रही है कि सौरभ बंगाल का गौरव है, लेकिन कुछ लोगों को एक गौरव वाली बात हजम नहीं हो रही। बीजेपी का एंगल अलग है। बीजेपी कहती है कि बंगाल में कोई निवेश नहीं करना चाहता और इसलिए जमीन को ऐसे लुटा करके ममता बनर्जी ढोंग कर रही है इन्वेस्टमेंट का। सुनिए जरा। ये लड़ नहीं सकते हैं हमारे विरोधी भाई, कोर्ट के भरोसा में जाते हैं। सौरभ गांगुली हमारे देश के गर्व है, हमारे बंगाल के गर्व है। अगर जनहित के लिए उनको कुछ दिया गया है उसमें हमारा सम्मान बढ़ता है, स्टेट का सम्मान बढ़ता है। ये लेके जो कर रहे हैं वो उनका जो सोच है बहुत नीचे सोच। जो सौरभ गांगुली स्टेप आउट करके गेन को वो बाउंड्री लाइन का बाहर फेंकते थे, उसी सौरभ गांगुली वो बाउंड्री लाइन से बॉल वहां से उठाकर वो फेंक रहे क्रीच का भीतर रहे। वो कलकत्ता का आदिवासी है और उसको घोषणा करने के लिए स्पेन में जाना पड़ा। ये सारे इवेंट मैनेजर ही सब लोगों को पकड़ के लाते थे। कितना गोरे चमड़ा वाला लोग देखते हैं ना इस पश्चिम बंगाल का इंडस्ट्रियल मीट में, ये इवेंट मैनेजमेंट का काम है। उसको किसी को $200 $300 दे दिया, पकड़ लिया, बोले चलो वहां, वो लोगों का खड़ा होकर बोलता है। तो ये नाटक बंगाल पहचान गया। सौरभ गांगुली इससे पहले भी बीजेपी और टीएमसी की खींचतान में पड़ चुके हैं। दोनों पार्टियां पूर्व क्रिकेट कप्तान को अपने पाले में लाने के लिए और सियासत में कैश कराने के लिए पूरे ही जोर आजमाइश कर चुकी हैं। लेकिन गांगुली को जिस जगह जमीन मिली वहां के लोग खुश हैं कि उनकी स्टील फैक्ट्री वहां खुलेगी तो लोगों को रोजगार तो कम से कम मिलेगा। सालबनी में अगर होता है कोई फैक्ट्री तो रोजी रोजगार तो बढ़ेगा। बहुत सारा अभी बेकारत्व है चारों तरफ में, उसके लिए एक तो बहुत ही अच्छा खबर है। और सौरभ गांगुली तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा फिगर है कि हम लोग का स्टेट का भी आदमी है और एक वर्ल्ड फेमस आदमी है। उनके द्वारा अगर कुछ फैक्ट्रीज वगैरह बनता है ये बहुत ही अच्छा बात है। हम लोगों का उम्मीद है बहुत बेकार नौजवान फैक्ट्री में बहुत काम मिलेगा। हम लोग सौरभ गांगुली को थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हम लोगों का वेस्ट बंगाल का बेकार का जो हम लोगों का जो दुख समझा। तो बीजेपी तो इसको एक तरीके से अन्याय बता रही है।